अदर के लोगों का दिल जीतने की बात कहाँ से आ गई, हम तो जीत चुके हैं उनका दिल। मुकाबला ये कैंडिडेट या ये प्रत्याशी कर सकते? कोई मुकाबला ही नहीं। 32,000 वोट का 10,000 वालों का क्या बात है कि ये वार्ड खादर वालों का है, बाहर वाला ऐसा तो है नहीं। बहुत बड़े चौधरी हैं, छोटे चौधरी हम जरूर हैं, रिश्तेदार तो बराबरी हमारी भी। जय हिंद साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज। देखिए लगातार वार्ड नंबर 21 के जो हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं, आपकी बार जनता का मन क्या है और जनता जीत का ताज किसके सर रखना चाहती है और विजेता किसको बनाना चाहती है। ऐसे में जो चार उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और जनता के बीच जाकर जो अपनी वोट मांग रहे हैं और एक भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक उम्मीदवार जो कारी जुनैद साहब बसपा से आते हैं, तो उनसे जानेंगे कि अब की बार वो क्या सोचकर मैदान में उतरे और जनता का दिल कैसे जीतेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। मैं वार्ड नंबर 21 का सर्वे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपका नाम आया, खादर में तो सब जगह आपका नाम है और बराबर आप हर जगह लड़ रहे हैं, पर आप जनता का कैसे दिल जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार लोग ये कह रहे हैं कि लोग आते हैं जीत के चले जाते हैं पर वापस नहीं आ पाते जीत के बाद। ये वार्ड ही खादर का है, इस वार्ड में 42,000 वोट में 32,000 वोट खादर क्षेत्र में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि ये वार्ड खादर वालों का है, बाहर वालों का तो ये वार्ड है नहीं। अब कुछ लोग आते हैं 10,000 वोट से, कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी हैं उनका परिवार, उनका ख़ानदान, उनका गांव, उनकी बस्ती इस वार्ड में नहीं है। एक तीसरे प्रत्याशी हैं वो दिल्ली से हैं। तो सही बात आपने कही कि ये वार्ड खादर का है, तो इस बार खादर ने मन बना लिया है कि खादर वाले को ही वोट देना है। खादर का वोट खादर में रहेगा, बाहर क्यों जाएगा? अब तक तो ये होता आया है, पिछली बार 5 साल पहले ताकत के बल पे, सरकार के बल पे और अपने असरात का, अपने ताल्लुकात का, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और वो जीत कर चले गए। 5 साल में उन्होंने जितना विकास किया है, जिन लोगों को सम्मान देने का काम किया है, जिनका उत्पीड़न उन्होंने किया है, सब लोग जानते हैं। खादर के लोग भोले ज़रूर हैं, लेकिन इस बार समझ चुके हैं कि ये वोट खादर का है, इंशाल्लाह खादर में ही रहेगा। आप कैसे जनता का दिल जीतेंगे? जैसे कि लोग, जनता का भरोसा ही उठ गया है कि अब की बार हम जिताएं तो किसको जिताएं, लोग आकर फिर वापस नहीं पलटते। खादर के लोगों का दिल जीतने की बात कहाँ से आ गई, हम तो जीत चुके हैं उनका दिल। 5 साल से खादर में रहते हैं, हमेशा से रहते आए हैं, उनके सुख में दुख में रात में दिन में काम आते हैं, तो दिल तो हम जीत चुके हैं। जीतने की बात कहाँ से कर रहे हैं हम? जीतने की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो नदीम साहब थे उन्होंने भी पहले दिल जीता था। ऐसा है, वो दिल जीत के यहाँ पे नहीं चुनाव जीते थे, बल्कि वो ताकत के बल पे चुनाव जीते थे। जितने प्रधान थे, जितने डीलर थे, जितने एजेंट थे, जितनी सरकार में उनकी ताकत थी, जितने उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था और चुनाव जीत के चले गए। चुनाव दिल जीत के नहीं गए थे वो, यूँ समझिए खादर वालों को कैप्चर करके चुनाव जीत के गए थे। आपको टिकट पार्टी से हुआ है, आपको लगा कि पार्टी से टिकट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और लोग पार्टी के नाम पर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं सिपाही हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे उम्मीदें हैं। यहाँ पे 5,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का है, तो बहुजन समाज पार्टी ने मुझे इसी भरोसे पे तो यहाँ चुनाव लड़ने भेजा कि 5,000 वोट उनका है, 32,000 मेरे खादर का है, तो मैं यहाँ पे मजबूत दावेदार इसलिए हूँ कि 37,000 वोट में मैं अकेला प्रत्याशी हूँ। तो चार उम्मीदवार हैं, आपकी जंग किससे रहेगी कि मेरे मुकाबला ये कैंडिडेट या ये प्रत्याशी कर सकते? कोई मुकाबला ही नहीं। 32,000 वोट का 10,000 वालों से क्या मुकाबला? और दो प्रत्याशी हैं, उनका कोई वोट ही नहीं है। वो बताएं उनके खादर में 100 वोट हों, 50 वोट हों, उनका परिवार नहीं है, दिल्ली वाले का परिवार नहीं है, उजारी का परिवार नहीं है। रही बात ढक्के वालों की, मात्र 10,000 वोट या 32,000 वोट, तो मुकाबला कहाँ से आ गया? ढक्के वालों का कहा जा रहा है कि वो जो है 10,000 की लीड लेकर ढक्के और गंगवार से चल रहे हैं, वहाँ से जो गलसू आता है उससे चल रहे हैं, बाकी हम जो खादर की साइड है बराबर सराबर लड़ रहे हैं, तो हम बराबर सराबर पर ध्यान देंगे क्योंकि ढक्का और गलसू हमारा है। 10,000 की लीड तब देंगे कि 10,000 वोट पड़ेगा। 9,000 की लेकर 9,400 वोट ढक्का में है, उसका आप 80% लगा लीजिएगा, 7,000 कुछ वोट पड़ेगा, तो क्या सारे उन्हीं को मिलेगा? जाहिर सी बात है वो डिवाइड होगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि वहाँ पे वो बड़ा हिस्सा ले लेंगे, तो वहाँ बड़ा हिस्सा लेंगे, खादर में क्या लेंगे? खादर में कुछ नहीं उनके पास, तो लीड वो 7,000 की लेकर नहीं आएंगे, वो वहाँ से मुश्किल से 3,500 वोट या 3,000 वोट लेकर आएंगे। बाकी वोट खाद ढक्के में हमें भी जानते हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारी भी बिरादरी है, ऐसा तो है नहीं। बहुत बड़े चौधरी हैं, छोटे चौधरी हम जरूर हैं, रिश्तेदार तो बराबरी हमारी भी। तो आप कभी ढक्के गए वर्क करने? ढक्के से क्या रिस्पॉन्स मिला? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, ढक्के के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वो सोचेंगे इस बार कि इस बार बराबर वाले को वोट देना है, ना कि बड़े चौधरी को वोट देना।
जो वोटर हैं, जो वार्ड नंबर 21 की जनता, उसको आप कुछ संदेश या अपील करना चाहते हैं? मैं उन सब से बड़े उम्मीद के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो लोग इस बार खादर का वोट खादर में रहने दें, और इंशाल्लाह ये मन बना लिया है, और उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो मुझे अपने भाई को पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए कारी जिनेद साहब थे जो बसपा से खड़े हुए हैं, लगातार अपने खादर के अंदर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। धूप हो, ठंड हो, रात हो, लगातार ये अपने वोटरों के बीच जाकर अपने लिए जो है जीत के एक उम्मीद को लेकर मैदान जंग में उतरे हुए। अब जनता के हाथ में फैसला है, वो जीत का ताज किसके सर पर रखेगी। आप लगातार देखते रहिए TV7 न्यूज हिंदी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।